दूसरों पे रोक बहुत ज्यादा चावल काला मेरा यार और मेरा यहाँ कदावर अवरोध सरकार यार खुशके भाई मसर भाई क्या हाल है देख रहे हैं याद की देख रहे हैं मुझे घर के बाहर आके बताओ एक कुछ कोर्ट वर्क में अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम अब ठीक ठाक नहीं हैं, वजह है बताएंगे आपको। तो अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम नहीं है, हम लेट हो गए हैं तैयब भाई। हाँ, लेट हो गए। तो इस व्लॉग के आपको मज़े लेने, हमें तो मज़ा नहीं आएगा लेकिन आपको मज़े लेने, क्योंकि आज का दिन तैयब के साथ मेरा आखिरी है। तैयब जा रहे हैं इस्लामाबाद और मैं कल जा रहा हूँ कराची। तैयब आज यहाँ से चले जाएंगे, तो नाश्ते पे जा रहे हैं, आपको पूरी डिटेल बताएंगे, व्लॉग बताएंगे, तफरी दिखाएंगे और एक दूसरे के साथ रो के गले मिलेंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, लाजमी कर देना। ये अवैध भाई है, तुम्हें इसकी कसम, सब्सक्राइब करना, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक भी करो। आज हम दोनों जुदा हो रहे हैं, हाय। तो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो किटिंग आपको हमने दिखाई नहीं है, ये लाहौर से ली थी और ये गिफ्ट मिले, ये अपनी है चश्मा अपना, और चश्मा अपना नहीं है अवैध भाई का, झूठ बोल रहा हूँ। पैंट भी पहनी हुई वो भी अपनी है, और नीचे चप्पल पहनी हुई वो भी अपनी है। तैयब भाई का सब कुछ अपना है, वही कल वाला है। तैयब भाई तैयार नहीं है ना, इस्लामाबाद जा रहे हैं तो शाम में तैयार होंगे, है तैयब भाई? शाम में ही तो ही होंगे, शाम में होंगे। मैं इस वक्त क्यों तैयार हुआ हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता, मसला है, ये कल बताएगा, कल ये राज की बात है, राज की बात है, सही बोल। मैं जा रहा हूँ कराची, इसलिए तैयार हुआ आज। फिर हम विलोक के चक्कर में, तैयब भाई मैं और अवैध, हमारी वजह से हम विलोक के चक्कर में, अवैध हमारी वजह से पीछे रह चुके हैं, क्योंकि लाका अली अरसलान और मामे स्त्री बहुत आगे निकल गए। कहाँ निकल गए? लाका उनके बीच में, देखो टकरे खा रहा है। हम सब बहुत दूर है ना, दिखा दे, कोशिश कर दे। ओ मामे स्त्री आई नहीं ऐसा फिर मिलांगे। ओ सही बोल रहा हूँ अवैध भाई, के साथ मिलेगा ये तो भी हैबत को पता है। अवैध छोटा भाई है आपका यार, किसी हरकतें कर रहा है, हंसता है आगे से। अवैध को समझ गया वो कैसे बात कर रहा है, उर्दू अवैध को आती नहीं। मजा आया, वो दुनिया थी कराची में आ जाते। अवैध मेरा उर्दू हमें भी नहीं आती, हम भी अनशंड बोलते हैं। अवैध मेरा बिरा की मैं बता, तो अवैध आप सराई की बात कर सकते हो? बात सराई की करने की नहीं है, बहुत तैयब तैयब बस जब दिखता है उसको ये पता है कि YouTube में लाइक होना चाह रहे हैं, तो इसलिए बस उसको ये पता है बोलना है, होना चाह रहा है लेकिन YouTube में लाइक फेमस कब, जरा लाइक होना चाह रहा हूं लेकिन कब और क्या बोलना है ये इसको कुछ भी पता नहीं है। बस ये बोलते हैं मैं अपने नंबर भरवाऊं तो इसलिए बस इसकी पेपर चल रहा है, ये बहुत बोलता है ऐसे ही, पेपर चल रहा है। मेरे नंबर है 11 14 करना चाहता हूँ, सबसे अलग होना चाहता हूं, कभी नहीं होंगे, नहीं होंगे। मोबाइल के नंबर 14 करवा दो यार मेरे, फिर आपको बाहर मुल्क जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम जाएंगे, तैयब इंशाल्लाह जाएंगे, अच्छी उम्मीद रखो। लेकिन तैयब कभी कामयाब नहीं हो सकता जो उसकी, अल्लाह अकबर, ये बात मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए, ये बेहद अफसोस की बात है, बेहद नहीं, ये बात मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए, अफसोस की बात है ये, नहीं नहीं इसकी बात, खुद से क्योंकि ये खुद से ज्यादा दूसरों के अवैध की नॉलेज, अवैध ये क्या है ये सामने किस चीज का दरख्त है, आई डोंट नो। अरे चीख चीख के बोल रहे थे ये पाकिस्तानी लड़के, उसको उर्दू आती नहीं है, इंग्लिश बोल रहा है। तुम लोगों ने मुल्क का ये आम के बाग है, आम के तू बता दे क्या है, आम के बाग है ना पीछे सारे ट्रीट, मेरे वो तो उसने बता दिया पहले, कहा था मैंने नहीं सुना, वो ट्रीट बताया मैंने, आम के बाग बताए, क्या गुंडा बनेगा मैं
पहले ये खामोश हो गया, इसने बताया नहीं कुछ भाई, इसमें बेइज्जती नहीं है, कंफ्यूज हो गया भाई, कंफ्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह हम सराय की हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये सराय की कर रहे हैं। अब वो अशर कर रहे हो इसका अवेज भाई का कि ये नेक्स्ट लोग नहीं है जी, सुथरा नाम नहीं है, मेरा यार दोस्त है, सारे सब चल रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, खैरियत है? हमारा लास्ट नाश्ता इनके साथ। हाँ, हम लोग तो करते रहेंगे कराची, तुम मेरे साथ हो, साथ ही साथ और तुम भी करते रहना व्लॉगिंग, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी जगह दिखाना, हम भी बनाएंगे। सही है, मेरा प्यार तुम लोगों के साथ है, मेरा साथ तुम लोगों के साथ है। स्त्री तेरी बहुत याद आएगी यार, पाइन सिगरेट तेरी पीता बड़ा पैसा खर्च करे लाहौर। सही बोल रहे हैं ये, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपका लाहौर जाना है ना तो सारी जिम्मेदारी इस पर छोड़ दो, अली मैं सही कह रहा हूँ, कमरे की जिम्मेदारी इसकी है। हम एक शख्स को नहीं लेकर जाना चाहते, कैमरा घुमाओ। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थैंक यू। किसने कहा यार? हम इसको लेके नहीं जाने, इस्लामाबाद की सोच में नहीं है, हमने सोच मतलब अगर ये सोच है कि ये आएगा ये सारा ये नहीं ले जाएंगे, बस यही बात है, हो गया ना फैसला यार। ऐसी क्या शर्त है कि आप इसको साथ ले जाओगे, ये बताओ। शर्त मैं बताऊंगा, नहीं किसी की कोई शर्त नहीं है। तो ये जो लास्ट नाश्ता है, अंडे वाला बर्गर, अली अहमद को शेख 05 वाले खिला रहे, अवेश को अरसलान और मामे नईम को मैं खिला रहा हूँ। ये नाश्ता सुबह का हमारा है, सुबह का नाश्ता अंडे वाले बर्गर के साथ, व्लॉग में पक्की बात है। मेरी यार एफ आप एक काम करो, आप शेख 05 ले, न्यू एफ क्यू है मामे स्त्री का लव, ये व्लॉग में आएगा भाई, फिर बाद में नहीं बोलियो मामे स्त्री का एल एल कहना लिखना, लिखो लिखो, ये बड़ी मोहब्बत है अली को मेरे साथ। नहीं अली देखो शेख 05 से कितनी मोहब्बत करता है। अवेश का चेक कर दे, अवेश आप तो अपने वाले साहब का नाम लिख दो। समझ रहे हो आप एम अच्छा पहले शर्म आनी पे यार, तू है इसको लिखे ना हाँ व्लॉग में आ रहा है, छोड़ गंदगी की थी वो, मैं तो मैं लिख गया। एस आर कौन है? शाहरुख खान सोन है लगते एस आर कैचअप यार है सारा। अच्छा अली ने हिम्मत बदे हिम्मत यार है, बस दो ही के नहीं है बड़ा। ये देखो मेरी बारी, सारे तो लिख रहे हैं एम तुम्हारा तो पता के नहीं, मेरे घर वाले व्लॉग दे दें एम लिखी नहीं के नहीं पिया मुश्किल है, सब तो सोने मेरे लिखे एम और के खतीजा, समझदार नहीं हो तुम यार, नहीं लंगोटी है यार अभी तो। अच्छा आर तू नहीं दीदा ना अंदर सलाम दी एम के 3 2 1 चाहे मन में कहीं ना लाखों ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, खाना पीना साथ है मरना जीना वरना तेरे लिए ले लेंगे कि भैया सबसे दुश्मनी हाय हाय दोस्ती आय हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे। भाई जान मैं अपने रॉक स्टार को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है यहाँ पर रेहान मुराद एडिसन यकूब भोले वाला और किफ्ती बिहार में सच्ची बच्चों से बहुत याद करी ना, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहा हूँ, काश तो फिर यहाँ भी कुछ और होता। नहीं मिलते सही आते कौन तो रोक
भोले वाला टिप्पी झूठे वाला सावल काला अरे सावल काला मेरा यार दंडू नु हटा मैं नहीं छोड़ो टिप्पी भी और मेरा यार कदावर मेरा दोस्त है अबरार 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 डिठी है मैंने याद किया है इन लोगों ने नहीं किया हम चिकन टिक्का ले रहे उसका सरकार की आमद खोल के यार डंगो डंगो मैंने तुझे बहुत ज्यादा मिस किया है डंगो कौन है नाम बता सही अली असलान चिकू टेढ़ा कंधा सुना नाइया पुष्पा यार नाई एहतिशाम पराग जी में आते हैं हम लेंगे रजब की शादी पे सूट लेंगे टेंशन नहीं ले नाना इफ्शाम हमने आपको सच में बहुत याद किया है जब यहाँ महफिल में है तुम मजर भाई क्या हाल है देख मैं याद की तुम देख के एक बंदे की बात भाई के पास जा रहे थे नहीं तुम लोग आगे जाओ हमारी बात रुक गई है भाई इसको मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ इस्लामाबाद चले मगर ये नहीं जा रहा मेरा ये मेरा तंगा नहीं चल रहा मामे से तू तो किसको किसी को याद कर अहमद 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 एक दारा अहमद अहमद दारा और खरदूल अली अजहर खरदूल को ये भूल गया अहमद के नाम का इस्तकबाल तालियों ये देख अहमद देख यार सच्ची बात याद कर इमरान काउंसलर को अली अहमद भूल गया काउंसलर मेरे दिल में भाई भाई आप याद कर लो उसको शुएब को इंशाल्लाह आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आएंगे पूरी डालो पूरी पूरा डालो पूरा तो एक ही डायलॉग है भाई बाय स्त्री ये मेरा डायलॉग है और इसका है भाई भाई वो क्वार्टर सीजन नहीं ऐसे मैं बताता हूँ बचपन में हम लोग करते थे एक सीन घर के बाहर जाते थे क्योंकि अम्मी अप्पू मारते थे रात को बाहर निकलते सबके एक जना बाहर निकलता था कैसे ना कैसे फिर घर उनके घर के बाहर आके बताओ एक कोट वर्क में फिर क्या होता था आवाज निकाल के दिखाओ ना एक आवाज ये हमारी आवाज होती थी और एक आवाज निकाल कोट वर्क बंदा बाहर फिर अगले बंदे के घर फिर आवाज डबल फिर अरसलान को ये बात पता है नहीं क्योंकि हमारा बचपन का अरसलान का तो एक और यार था अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए ठीक है वो भी हमारा बहुत खास यार दोस्त था कासिम कासिम यार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था वो भी हमारा यार दोस्त था और अरसलान का जिगरी यार दोस्त था वो भी बहुत जबरदस्त नाइस बंदा था शरीफ लड़का था बड़े इलू डिलू अबे हमारा इलू डिलू सलमान भाई सदा मानी चाहिए उसने कासिम को याद किया यहाँ पे हसनैन को याद करने दे रहा हक बनता था और हमारा एक और भाई भी था हसनैन ठीक है और वसीम अब्बास उसके साथ भी हमारा बहुत हाँ और इसी शुजे बाद में हमारे दो भाइयों शहीद हो चुके थे यही हम अपने गाँव वो गए थे ठीक है और ये शाहजेब भाई भी उनके साथ था मैं नहीं था उस साल यहाँ पर तो ये लोग दरिया पे रहे थे ये लोग नहा रहे थे बस पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पानी के अंदर आई हुई थी ठीक है उनकी आई हुई थी तो वो दो भाई हमारे वो भी बहुत अच्छे लड़के थे यानी कि हमारा जो टोला था ना कुल
लड़कों का वो 150-200 लड़कों का था। गुलफाम गुलफाम हो गया ट्रेन। हमारे 4-5 भाई ना जो हमारे जितने थे यार दोस्त, वो दो इंतकाल कर याद आते हैं। दो का एक्सीडेंट हुआ था ठीक है, वो शहीद हुए थे। एक बीमार हो गया था ठीक है, और दो जो दरिया में गए थे। हमारी उनके जाने के बाद एक चीज सीख लिए, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हाँ। यार दोस्त भी किसी के लिए नहीं रुकते, जिंदगी वैसे ही चलती है और तफरी होती है, होती रहती है। बाकी अभी भी हम उनको याद करते हैं क्योंकि हमारा बचपन एक अच्छा बचपन गुजरा है, ब्यूटीफुल ठीक है। अगर जो बच्चे ये लोग देख रहे हैं ना, तो अपने बचपन को संभाल के रखो, बचपन की याद। बचपन फिर कभी नहीं आता। हमारे पास उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, आजकल तो मोबाइल आ गए ना। कंचे खेलते थे हम, कंचे, गिल्ली डंडा, पता नहीं क्या क्या नहीं खेला। खो पे खो, आम प्रसंडा, बहुत कुछ खेला है, सहारा समंदर। बाकी ये एक चीज है कि बचपन अभी अपना यादगार बना लो। मेरे कबूतर हम लोग काटने की छाया। हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम, हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, एक चड्डी होती थी और बस तो होती नहीं थी। बाकी अब यहाँ पर व्लॉग को एंड कर रहे हैं। फाइनली बहुत ही मजा आया और बचपन की यारी भी याद की है। हाँ हाँ, ये भी लोग याद रहेगी, ये चाय और ये बर्गर और ये हमारा लास्ट डे। लास्ट डे का आज व्लॉग खत्म कर रहे हैं, बाकी जो इनको छोड़ने जाएंगे वो तब की तब देखेंगे। और इस व्लॉग में नईम ने अपना बचपन याद किया, अपने पूरे दोस्तों को याद किया जो दुनिया से गुजर चुके हैं, जो दुनिया में मौजूद है। तो सब्र करो, अवेस पीछे आ जाओ, फिर बोलते व्लॉग में नहीं डालो, रुको यहीं। मेरा बहुत बड़ा किरदार आज का व्लॉग हम यही खत्म करने वाले हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो ये भाई इधर से आ जाओ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज। 3-2-1 जबरदस्त। अमीज भाई आपको बहुत याद।